तो आज की इस वीडियो में, इसके पहले वाले वीडियो में हमने हाफ एंगल फार्मूला, ठीक है, हाफ एंगल फार्मूले का प्रूफ, साइन ए बाय टू, कॉस ए बाय टू, टैन ए बाय टू, ये सब देखे थे, ठीक है। आप लोगों ने हाफ एंगल फार्मूले में सब चीजें पढ़ लिए थे। फिर उसके बाद में एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, और उसके बाद में हीरोन फार्मूला, इसका भी आप लोगों ने प्रूफ देखे थे। तो हम अप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक अप्लीकेशन ऑफ साइन रूल कोसाइन रूल पढ़ रहे हैं, साइन रूल और कोसाइन रूल का अप्लीकेशन। उसमें एक नैपियर फार्मूला करके, अभी अपने को पढ़ना नैपियर फार्मूला। और ये जो नैपियर फार्मूला है, ये बोर्ड के एग्जाम में इसका प्रूफ कंपलसरी 3 मार्क के लिए या 4 मार्क के लिए पूछता है। इसका प्रूफ नैपियर फार्मूला का प्रूफ, तो नैपियर एनालॉजी बोलती है इसको। तो नैपियर एनालॉजी क्या बोलती है, नैपियर एनालॉजी क्या बोलती है कि एनालॉजी की इन ट्राइंगल एबीसी, आपको ऐसा आएगा क्वेश्चन, इन ट्राइंगल एबीसी क्या होता है, इन ट्राइंगल एबीसी टैन, अगर बी माइनस सी अपॉइंट में टू लेते हो, टैन बी माइनस सी अपॉइंट में टू लेते हैं, तो आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा, इन ट्राइंगल एबीसी प्रूव दैट, आपको प्रूव करो करके आएगा क्या, प्रूव करो करके आएगा, तो टैन बी माइनस सी अपॉन में टू, पहला वाला टैन बी माइनस सी अपॉन में टू, तो क्या होगा, इसके करस्पॉन्डिंग साइड छोटा बी, इसके करस्पॉन्डिंग साइड छोटा सी, तो बी माइनस सी अपॉन में बी प्लस सी इन टू टैन है तो कॉट, और कौन सा एंगल मिसिंग है, ए एंगल मिसिंग है, तो हाफ ऑफ ए एंगल, ये प्रूव करो करके आएगा, ठीक है। फिर से मैं रिपीट करो, समझ में आ गया। दूसरा देखो टैन, अब बता बी माइनस सी हो गया, अब ए माइनस बी भी ले सकते हो, तो बी के अंदर सी माइनस ए भी ले सकते हो, सी और ए अपॉन में टू, तो क्या होगा, सी माइनस ए सी प्लस ए, कौन मिसिंग है बी, तो कॉट बी बाई टू, ऐसा प्रूफ करो करो क्या आ सकता है। फिर हो सकता है कि आपको थर्ड टैन ए माइनस बी प्रूफ करो करके आएगा इस तरह से, तो क्या होगा, ए माइनस बी ए प्लस बी इन टू में कॉट, कौन मिसिंग है सी, तो सी बाई टू करके प्रूफ करके आएगा। तो यहां से कोई भी आपको पूछ सकता है, तो मैं यहां से आप लोगों को ये बता रहा हूं, सिमिलरली ये प्रूफ कर सकते हो। अब इसको प्रूफ करने का कंसेप्ट क्या है, तो ये प्रूफ होता है साइन रूल से, कौन से रूल से प्रूफ होता है, साइन रूल से प्रूफ होता है। तो सॉल्यूशन में देखो प्रूफ के तरफ फोकस करो, प्रूफ के तरफ, तो मैं लेता हूं इस बार आपका आरएचएस लेता हूं, तो आरएचएस से एलएचएस लाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बी माइनस सी बी प्लस सी तो इससे जल्दी बन जाएगा, ठीक है। इसका कोई फॉर्मूला नहीं, टैन बी माइनस सी अपॉन में टू, इसका कुछ नहीं हो सकता फिलहाल के लिए। तो मैं लेट एलएचएस कौन सा पहला वाला प्रूफ करो, लेट आरएचएस, आरएचएस में क्या है आप लोग देखो, बी माइनस सी अपॉन में बी प्लस सी इंटू में कॉट ए बाय टू दिया है, तो यहां लगाओगे साइन रूल, क्या लगाओगे, बाय साइन रूल। तो बाय साइन रूल आप लोगों को पता है, बाय साइन रूल, तो साइन रूल आप लोगों को पता है क्या होता है, ए बाय साइन बी, तो यहाँ पे ए का उल्लेख ही नहीं है, बी और सी है, तो बी बाय क्या होता है बताओ, बी बाय साइन बी इक्वल टू सी बाय साइन सी इक्वल टू क्या होता है, अब ए बाय भी लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, ए बाय साइन है कोई फर्क नहीं पड़ता, तो बी की वैल्यू क्या होगी, देयरफॉर बी की वैल्यू होगी के साइन बी होगी, के साइन बी याद रखना, साइन रूल, बी की वैल्यू के साइन बी, सी की वैल्यू क्या होगी, के साइन सी होगी, ये वैल्यू यहाँ डाल देंगे, तो देयरफॉर आपका आरएचएस इक्वल टू क्या हो जाएगा, आरएचएस इक्वल टू क्या हो जाएगा, आरएचएस इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, बी के जगह क्या लिखोगे, के साइन बी, सी के जगह क्या लिखोगे, के साइन सी, नीचे में भी बी के जगह क्या लिखोगे, के साइन बी प्लस सी के जगह क्या लिखोगे, के साइन सी इंटू में कॉट ए बाय टू को छेड़ोगे नहीं, कॉट ए बाय टू को छेड़ोगे, इतना समझ में आ गया सबको। अब देखो आप लोग के कॉमन निकलेगा, के क्या निकलेगा, कॉमन, ऊपर में भी के कॉमन निकाल दिया, साइन बी प्लस माइनस साइन सी, नीचे में भी देखो आप लोग साइन बी प्लस साइन सी हो जाएगा, और इंटू में कॉट ए बाय टू होगा, तो दिक्कत, तो के से के मर गया, देखो के से के मर गया। अब आप लोग यहाँ क्या दिख रहा है, आप लोगों को साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला दिख रहा है, साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला दिख रहा है, तो माइनस वाले में कॉस आगे आता है, आप लोगों ने फॉर्मूले तो पढ़े होंगे, साइन ए माइनस साइन बी क्या बोलता है, दो, माइनस वाले में कॉस आगे होता है, प्लस वाले में साइन आगे होता है, ए प्लस बी अपॉन में टू इंटू कॉस ए माइनस बी अपॉन में टू, ये तो पढ़ ही लिए हो तो प्लस वाले में साइन आगे, माइनस वाले में कॉस आगे, तो समझ समझने की बात है, आपको 100% आ जाएगा अच्छे से। तो क्या क्या किया मैंने, आपको आरएचएस लेना है बोला,
यहाँ साइन रूल लगाना है बोला, बी की वैल्यू निकालना है के साइन बी, सी की वैल्यू निकालना है के साइन सी, देखो निकल भी। अब ये वैल्यू यहाँ डालना है, बिल्कुल कॉमन निकल रहा है कॉमन निकाल लेना है। अब यहाँ लगाओगे फार्मूला, तो फार्मूला लगाओगे तो क्या होगा, दो साइन दिख रहा है, देखो माइनस से तो कॉस आएगा पहले, दो कॉस क्या होगा बेटा, क्या होगा बी माइनस सी, सॉरी बी प्लस सी अपॉन में टू इंटू में साइन बी माइनस सी अपॉन में टू, एक बार प्लस एक बार माइनस, इन दोनों का सम डिवाइडेड बाय टू, इन दोनों का डिफरेंस डिवाइडेड बाय टू। तो माइनस वाले में कॉस आ गए और उसमें साइन आ गए, और प्लस वाले में क्या होगा बेटा, साइन आगे होगा, होगा बी प्लस सी अपॉन में टू इंटू कॉस बी माइनस सी अपॉन में टू, और इंटू में क्या कॉट ए बाय टू को तो लिखना ही पक्का। ओके अब क्या हो सकता है, दो से दो मर सकता है, हो सकता है ऐसा। अब बताओ बी प्लस सी बी प्लस सी, बी माइनस सी बी माइनस सी, तो एक कॉस बाय साइन कॉट हो जाएगा, आपको क्या लाना है टैन लाना भी, तो इसका क्या हो जाएगा बेटा कॉट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कॉट हो जाएगा। तो कॉट क्या होगा बताओ, कॉट क्या होगा कॉट बी प्लस सी अपॉन में टू, और इंटू में क्या होगा ये टैन बी माइनस सी अपॉन में टू, देखो टैन बी माइनस सी अपॉन में टू आगे आया क्या नहीं है, और इंटू में क्या बोल रहा था कॉट ए बाय टू दिख रहा है ये, तो ये मेरे को चाहिए, दोनों मर जाना चाहिए, मर जाएंगे कैसे, तो बताओ यहाँ पे ए है, यहाँ पे ये ला सकता हो क्या, तो ला सकता हो, वो कैसे बोलो, कैसे तो बोलो आप, कैसे तो देखो ए प्लस बी प्लस सी पूरा एंगल 180 का होता है पांच, अरे मुझे यहाँ ए लाना है, तो ए बी सी में रिलेशन क्या है, ए प्लस बी प्लस सी ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 होता है। तो एक बात बताओ बी प्लस सी को पकड़ो जगह पे, ए को उधर भगाओ तो पाई माइनस ए होगा, ये भी क्लियर हो गया। अब बताओ अपॉन में टू है, इधर भी टू लगाओगे इधर भी टू लगाओगे, तो बी प्लस सी अपॉन में टू के जगह पाई बाई टू माइनस ए बाई टू लिख सकते हो, मतलब ए बाई टू आ जाएगा यहाँ, मतलब आप इसके जगह आप लोग क्या लिख सकते हो टैन, क्या लिख सकते हो पाई बाय टू माइनस ए बाय टू लिख सकते हो, इसका मतलब सॉरी कॉट है कॉट, तो क्या हो जाएगा इंटू में टैन बी माइनस सी अपॉन में टू इंटू कॉट ए बाय टू। सर अब ये कैसे लिखे आप लोगों ने, तो अगर ये डायरेक्ट नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऊपर लिख लेना, क्या लिख लेना इन ट्राइंगल ए बी सी, आपको पता है इन ट्राइंगल ए बी सी ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना होता है पाई, तो देयरफॉर बी प्लस सी इक्वल टू पाई माइनस ए, बी प्लस सी अपॉन में टू चाहिए तो बी प्लस सी अपॉन में टू, इसके अपॉन में भी टू और इसके अपॉन में भी टू, कोई दिक्कत, तो इसके जगह आप लोग लिख सकते हो देयरफॉर कॉट, बोलो आर एच एस इक्वल टू, ठीक है कॉट क्या बी प्लस सी की जगह पाई बाय टू माइनस ए बाय टू, इसको तो छेड़ना ही नहीं है बी माइनस सी अपॉन में टू और इसकी जगह कॉट ए बाय टू, कोई दिक्कत, और इसका मतलब आपको पता है कॉट 90 माइनस थीटा टैन थीटा होता है, तो इसका मतलब थीटा का काम ए बाय टू कर, तो इसका टैन ए बाय टू हो जाएगा इंटू में टैन बी माइनस सी अपॉन में टू, और इसको कॉट को मैं टैन में कन्वर्ट कर सकता हूँ टैन ए बाय टू हो जाएगा, कॉट का मतलब टैन से टैन भर गया, देखो ये आपका कौन आ गया एल एच एस आ गया, देखो टैन बी माइनस सी अपॉन में टू, देखो एल एच एस आ गया, ये हो गया आपका कौन एल एच एस, यस आर नो यस आर नो, तो हैंस इसीलिए हैंस टैन बी माइनस सी अपॉन में टू यानी क्या हुआ आर एच एस यानी ये वाला बी माइनस सी बी प्लस सी बी माइनस सी लेगा, तो इन टू में क्या कॉट ए बाई टू, हैंस क्या होगा प्रूव हो गया, कितने मार्क के लिए तो तीन मार्क के लिए, तो सिमिलरली वी कैन प्रूव फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, सिमिलरली अपन इसको भी प्रूव कर सकते हैं, यहाँ साइन रूल लगा के जगह के साइन सी के साइन ए के साइन सी के साइन ए, ये जैसा का वैसा फिर के कॉमन निकालेंगे उसमें वही कंसेप्ट लगाएंगे और प्रूफ हो जाएगा, यस। तो देखो एक बार ऊपर देख लो, आपको आर एच एस लेना है बराबर है, यहाँ साइन रूल लगाना है, तो ए बाय साइन ए बी बाय साइन बी सी बाय साइन सी इक्वल टू ट्वाइस आर, वही तो के होता है, तो बी की वैल्यू क्या होगी, बी की वैल्यू के साइन बी होगी, सी की वैल्यू के साइन सी होगी, यहाँ डालना है बिल्कुल इसके जगह देखो के साइन बी के साइन सी के साइन बी के साइन सी, और एक कॉट ए बाय टू जैसा का वैसा के कॉमन निकल गया, के कॉमन निकल गया कट गया, यहाँ मैंने फार्मूला लगा दिया, यहाँ मैंने फार्मूला लगाया, दो से दो मर गया, कॉस बाय साइन कॉट साइन बाय कॉस टैन जैसा, इसको छेड़ना नहीं है, तो यहाँ ए बाय टू है तो यहाँ ए बाय टू लाना चाहिए,
तो ए बी सी का रिलेशन क्या है, तो तीनों एंगल का सम 180 होता है, ये हमको रिलेशन है पाई राइट ये। तो बी प्लस सी चाहिए, एक उधर भगा दिया, डिवाइड में टू चाहिए, दोनों तरफ डिवाइड कर दिया टू से, तो पाई के अपन में टू बी, ए के अपन में टू बी, इसके जगह मैं बिंदास लिख सकता हूँ। इसका मतलब क्या होता है, कॉट 90 माइनस थीटा, अलाइड एंगल का फंडा लगा दिया, तो कॉट 90 माइनस थीटा बोले तो टैन थीटा होता है। अब एक टैन आया तो ये भी टैन होना चाहिए, तो कॉट का मतलब 1/10 टैन से टैन मर गया, ये हो गया LHS हो गया, इट्स वेरी इजी। चलो हलवा सा क्वेश्चन था, लिख लो इसको। हाँ तो अभी हम प्रॉब्लम देखेंगे साइन रूल के ऊपर, कोसाइन रूल के ऊपर, तो फॉर्मूला आपको क्लियर होना चाहिए। साइन रूल के ऊपर अपन प्रॉब्लम देखेंगे, तो आपको साइन रूल के बारे में क्लियर होना चाहिए कि साइन रूल क्या होता है। तो ए बाय साइन ए, बी बाय साइन बी, सी बाय साइन सी इक्वल टू ट्वाइस आर, ट्वाइस आर यानी के होता है, मैंने आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ से अगर आपको ए की वैल्यू पूछे तो बताते आना चाहिए, ए की वैल्यू के साइन ए, बी की वैल्यू के साइन बी, ठीक है, और सी की वैल्यू के साइन सी, तो आप लोगों को पक्का मालूम होना चाहिए। अगर आपको एंगल पता है ए बी सी, ठीक है, तो आप वो साइड्स निकाल सकते हो उस ट्रायंगल की, ठीक है। तो ये हो गया साइन रूल के बारे में, आपको कोसाइन रूल भी अच्छे से याद करना है, कोसाइन रूल, क्योंकि इनके ऊपर हम प्रॉब्लम पढ़ने वाले हैं, तो प्रॉब्लम पढ़ने वाले हैं तो आपको साइन रूल अच्छे से पता होना चाहिए, आपको साइन रूल अच्छे से पता होना चाहिए, ऐसा नो साइन रूल अच्छे से पता होना चाहिए। तो कोसाइन रूल क्या बोलता है, अगर आप ए स्क्वायर की बात करोगे, यहाँ पे स्क्वायर की बात चलती है, ए स्क्वायर, बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर की बात करोगे तो क्या होगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू बी सी कॉस ए, ए तो कॉस ए। अगर बी की बात करोगे तो सी और ए बच गया, तो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस टू सी ए कॉस बी, और सी स्क्वायर की बात करोगे तो ए और बी बच गया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी कॉस सी। ये बिल्कुल प्रॉपर तरीके से मालूम होना चाहिए। कभी कभी यहाँ पे आप लोगों को कॉस ए भी निकालो, बोल सकता है कॉस ए कॉस बी कॉस सी, तो ये भी आप लोगों को निकाल के आना चाहिए। तो कॉस ए मतलब इसको इधर लाया अपन ने, ये जो कि निगेटिव है ना, ये पॉजिटिव करना पड़ेगा ना, इसको उधर भागाना पड़ेगा, मतलब ये बोला तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और अपॉन में टू बी सी, ये टू बी सी डिवाइड में आएगा, और बी की बात की तो बच्चा कौन सी हो रही है, तो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बी है तो माइनस बी स्क्वायर, और सी है ना तो टू सी है, ये कोसाइन रूल का पोर्शन है। और सी की बात की तो बच्चा ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन में टू सी बी, कोई दिक्कत। और बात कर रहा हूँ प्रोजेक्शन रूल की, कौन से रूल की, प्रोजेक्शन, तो सभी रूल आपको अच्छे से याद करना है, प्रोजेक्शन रूल। तो प्रोजेक्शन रूल क्या बोलता है, ए बी और सी तीन चीजें होती है, ए की बात करोगे तो बच्चा कौन बी और सी, तो बी के साथ में कॉस ऑफ एंगल सी आएगा, और प्लस ए के साथ में क्या आएगा, प्लस आता है कि माइनस आता है, प्लस आता है कि माइनस आता है, प्लस आता है कि माइनस आता है, तो प्लस आता है, ठीक है। तो बी और सी, तो सी के साथ में कौन आएगा, सॉरी बी के साथ में कॉस सी, अब सी के साथ में क्या आएगा, कॉस बी। बी की बात करोगे तो सी और ए बच गया, तो सी के साथ में कॉस ए आएगा और ए के साथ में कॉस सी आएगा, और प्रोजेक्शन रूल में सी की बात करोगे तो बच्चा कौन, बच्चा कौन, बच्चा कौन, बच्चा कौन, बच्चा कौन, ए और बी बचा, ए और बी बचा, ए और बी, तो साइड ए के साथ में कॉस ऑफ एंगल भी आएगा, साइड ए के साथ में कॉस ऑफ एंगल भी आएगा, और साइड बी के साथ में कॉस ऑफ एंगल भी आएगा, तो ये होता है प्रोजेक्शन। फिर आपको हाफ एंगल्स फार्मूले भी याद करना है, हाफ एंगल्स फार्मूले, तो मैं सबसे पहला वाला बता रहा हूँ, सबका पहला वाला हाफ एंगल्स में साइन ए बाय टू, तो आप बी का बना लेना, मैं कॉस ए बाय टू बताऊंगा तो आप बी सी का बता देना, बना लेना, टैन ए बाय टू का बताऊंगा तो आप बाकी के निकाल सकते हो। तो साइन ए बाय टू का बताया, तो ए और ए बाय बी का बताया, ए बाय टू का बताया, तो एक ए बाय टू का, तो एक को पकड़ो तो बचा कौन, बी और सी, ये बोलते हैं रूट में एस माइनस बी, एस माइनस बी, एस माइनस सी अपॉन में, अपॉन में क्या बोलते हैं बी सी, बताया ना आपको, और इसमें क्या होता है, यस यस माइनस ए, याद है आपको, तो इसमें बी और सी की बात चलती है और इसमें ए की बात चलती है, यस एस माइनस सी अपॉन में क्या होता है बी सी, और टैन का मतलब साइन बाय कॉस, तो बी सी से बी सी कैंसिल, तो रूट में क्या बचेगा बताओ, एस माइनस बी, एस माइनस सी और अपॉन में क्या होगा, एस एस माइनस ए, ये आपका टैन ए बाय टू, ठीक है। अगर मैं बोला अगर यहाँ पे बी ले लिया, तो बी ले लिया तो बच्चा कौन सी हो रही है, तो यस माइनस सी, एस माइनस सी अपॉन में बी सी होगा, और यहाँ बी ले लिया बी 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 बी, तो यस एस माइनस बी अपॉन में बी को छोड़ के सी, ओके, तो वो आप लोग देख लेना अच्छे से। ये कौन सा था, बोलो बोलो बोलो, हाफ एंगल पालना। फिर उसके बाद में मैंने आपको बताया था एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल,
तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का 1/2 बीसी, बी और सी लोगे तो ये मिसिंग है तो साइन ही आएगा। अगर आप लोग बीसी के बाद में क्या लोगे, सी ए लोगे तो क्या आएगा, साइन बी आएगा। अगर आप लोग ए बी लोगे तो क्या आएगा, साइन सी आएगा। ये होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। और आप हीरोन फार्मूला से निकालोगे, हीरोन फार्मूला तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला पता चाहे आप लोगों को, यस एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। और अभी मैंने अभी प्रूफ करके दिया नैपियर फार्मूला, नैपियर एनोलॉजी। और नैपियर एनोलॉजी क्या बोलता है, नैपियर एनोलॉजी, नैपियर एनोलॉजी क्या बोलता है, नैपियर एनोलॉजी। नैपियर एनोलॉजी के बारे में भी मैंने आप लोगों को बता दिया। अगर टैन बी माइनस सी अपॉन टैन टैन की बात चलती है, बी माइनस सी ले लिया या ए माइनस बी ले लिया, जो भी ले लू बी माइनस सी, तो बी माइनस सी बी प्लस सी और इनटू में कॉट बी और सी, ये एंगल मिसिंग है तो कॉट ए बाई बी, ठीक है। अगर मैं टैन ए माइनस बी ले लू या सी माइनस ए ले लू अपॉन टू, तो क्या होगा, सी माइनस ए सी प्लस ए इंटू कॉट क्या ए बी बाई टू है क्या, नहीं बी बाई टू, सी और ए तो बी मिसिंग है ना, कॉट बी बाई टू। ये नैपियर एनोलॉजी है, इतने सारे फार्मूले हैं और इन सभी फार्मूले के ऊपर अपन अभी क्या देखने वाले, प्रॉब्लम देखने वाले, प्रॉब्लम स्टार्ट करने वाले हैं। तो आपका जो एक्सरसाइज कौन सा था, 3.2 था, तो 3.2 का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था वो पोलर कोऑर्डिनेट और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के ऊपर था, पोलर कोऑर्डिनेट और कौन सा, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के ऊपर था, पोलर कोऑर्डिनेट और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, जो अपना वीडियो में उसका वीडियो बन चुका है। क्वेश्चन नंबर कौन सा था वो, फर्स्ट और शायद आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड था। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका पोलर कोऑर्डिनेट और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के ऊपर था। अभी मैं क्वेश्चन नंबर थर्ड से स्टार्ट करने वाला हूँ और एक्स्ट्रा के भी क्वेश्चन अपन देखेंगे, सॉल्व एग्जांपल के वगैरह वगैरह सभी क्वेश्चन कवर करेंगे और टाइम वाइज पढ़ेंगे। तो पहले साइन रूल कोसाइन रूल प्रोजेक्शन रूल पे पढ़ेंगे, फिर हाफ एंगल फार्मूले के ऊपर क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर नैपियर फार्मूले के ऊपर क्वेश्चन पढ़ेंगे, ऐसे लाइन से अपन क्वेश्चन पढ़ेंगे। हाँ, नंबर के पीछे मत भागो, कंसेप्ट के पीछे भागो, और नॉलेज के पीछे भागोगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा, 100% मिलेगा, ओके। अब देखो ये एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर थर्ड है, हो सकता है कि मैं कुछ अलग भी क्वेश्चन ले लूँ, बस अपने को नंबर वाइज पढ़ना है, ठीक है। क्वेश्चन के पीछे मत नंबर के पीछे मत भागो, ठीक है। तो बताओ इस ट्रायंगल एबीसी में आपके पास दो साइड दी है, ए बी दी है, और आपके पास एंगल ए दिया है, आपको एंगल बी निकालना है, तो आपको यहाँ पे कौन सा रूल लगाओगे, साइन है तो साइन रूल तो लगाएगा पक्का। तो इन ट्रायंगल एबीसी आपके पास दिया है, ट्रायंगल एबीसी में देखो ए इक्वल टू 2 दिया है, बी इक्वल टू 3 दिया है, और साइन ए बाय 2 आपके पास, साइन ए 2/3 दिया है, ये आपके पास दिया, और एंगल बी निकालना है। तो आप कौन सा रूल लगाओ भाई, कौन सा रूल लगाओ, साइन रूल लगाओ, क्या लगाओ, साइन रूल। तो साइन रूल क्या बोलता है, ए बाय साइन ए, ए बाय साइन ए, और बी बाय क्या, साइन ए, बस ए लगाओ, सी को पकड़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप आपको एंगल से निकालना भी नहीं, आपको ए की वैल्यू पता है, हाँ पता है, बी की वैल्यू पता है, हाँ पता है, ए की भी वैल्यू, साइन ए की वैल्यू पता है, आप बी निकाल सकते हो आराम से। तो बताओ क्या होगा, साइन भी आपको निकालना है, ए की वैल्यू कितनी है 2, साइन ए की वैल्यू 2/3, और बी की वैल्यू कितनी है 3, और साइन भी जैसा का वैसा भी, कोई दिक्कत। तो 2 से 2 मर गया, ये 3 ऊपर कूद गया, तो 3 = 3/sin भी होगा, कोई दिक्कत। तो 3 आएगा 3, यहाँ पे 1 बचेगा, तो therefore sin भी इक्वल टू कितना होगा, 1 होगा। अब ये 1 किसकी वैल्यू, तो आपको पता है sin भी इक्वल टू sin 90 की वैल्यू है, sin 5/2 की वैल्यू 1, therefore b की वैल्यू कितनी होगी, 90 होगी, b इक्वल टू 5/2 होगा, सही है, क्योंकि ट्राइंगल में एंगल का सम कितना होता है, 180, 90 का तो हो गया, 90 से बड़ा तो ले नहीं सकते, इसमें दूसरा एंगल तो निकाल नहीं सकते, आपको 5/2 + 5/2 कर नहीं सकते, कितने मार्क का 1 मार्क का पूछेगा क्वेश्चन। आपके पास क्या दिया था, ट्रायंगल एबीसी में ए दिया था, बी दिया था, साइन ए बाय 2 दिया था, साइन दिया था, अपन साइन रूल लगाएंगे, एंगल बी निकालना है, तो साइन ए और साइन बी वाला उल्लेख करोगे, ए बाय साइन बी, बी बाय साइन बी इक्वल टू के वगैरह लिखने की जरूरत नहीं। चलो ले लो इसका स्क्रीनशॉट अच्छे से। हाँ नाउ अभी क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि इन ट्रायंगल एबीसी अपने पास क्या दिया है, ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी में आपके पास एंगल ए दिया है 30 डिग्री, ये दिया है 30 डिग्री, और बी दिया है 60 डिग्री,
और आपको निकालना है फाइंड द रेशियो ऑफ साइड्स, पूरे साइड्स का रेशियो निकालना है, तो ए रेशियो, बी रेशियो, सी रेशियो, ये निकालना है आपको, साइड्स का रेशियो निकालना है, ए रेशियो, बी रेशियो, सी, ये निकालना है। तो ए रेशियो, बी रेशियो, सी के लिए आपको आपको पता है ए बाय साइन ए, बी बाय साइन बी और सी बाय साइन सी, आप साइन रूल लगाओगे, बराबर है, क्या लगाने वाले हो, साइन रूल लगाने वाले हो, लेकिन उसके लिए आपको सी एंगल पता होना जरूरी है, ए एंगल पता है, बी एंगल पता है, लेकिन सी एंगल नहीं पता। तो आपको पता है कि ट्रायंगल में पूरे एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है, अरे 180 होता है ना, तो एंगल ए की वैल्यू बोल हाँ कि ना, होता है ना, हाँ होता है, तो ए की वैल्यू 30, इसकी वैल्यू 60, एंगल सी निकालना है 180, तो एंगल सी की वैल्यू जो निकलेगी 180 में से 30 और 60 90 माइनस कर दोगे तो आपका एंगल सी जो रहेगा वो 90 डिग्री रहेगा। कोई दिक्कत, ठीक है, एंगल सी भी निकल गया। अब नाव लगाओगे बाय कौन सा रूल, साइन रूल लगाओगे, बाय कौन सा रूल, साइन रूल, तो साइन रूल लगाओगे आप लोग, ए बाय साइन ए इक्वल टू बी बाय साइन बी इक्वल टू सी बाय साइन सी, ये वाला फंडा लगाओगे आप लोग अच्छे से। तो देयरफॉर ए की वैल्यू कितनी होगी, ए की वैल्यू होगी इसको जैसे लिखते ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो इक्वल टू साइन ए रेशियो साइन बी रेशियो साइन सी, ऐसा लिख सकते हो आप लोग। इसका मतलब अच्छी होता है ए रेशियो बी रेशियो सी इक्वल टू साइन ए रेशियो साइन बी रेशियो साइन सी। तो देयरफॉर क्या होगा, साइन ए की वैल्यू कितनी होगी, साइन करो, देखो ए की वैल्यू कितनी है 30 है, साइन बी की वैल्यू कितनी है 60 और साइन सी की वैल्यू कितनी है 90, कोई दिक्कत, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 बराबर है, ये √3/2 बराबर है और ये 1। तो रेशियो निकालने के लिए कोशिश करना कि सबका बेस सेम होना चाहिए, तो दो कट जाता है, जैसे कि आप लिखते हो ना ए बाय टू लिखते हो और बी बाय टू लिखते हो तो 2 से 2 मर जाता है, ए रेशियो बी रेशियो करता ए बाय टू रेशियो बी बाय टू ऐसा करता 2 से 2 मर जाता है, तो ए रेशियो बी आता है कि नहीं आता, तो सेम बेस कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तो यहाँ 2 है यहाँ 2 है, इसके ऊपर में भी 2 होना चाहिए, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देयरफॉर क्या होगा बेटा 1 रेशियो 1/2 रेशियो √3/2 रेशियो या 2/2 तो देयरफॉर आपका आंसर जो आएगा बेटा ए रेशियो बी रेशियो सी इक्वल टू 1 रेशियो 3 रेशियो 2 हो गया। इतना प्यारा सा क्वेश्चन समझ में आएगा। तो रेशियो ऑफ साइड्स क्या होगा बताओ, द रेशियो ऑफ साइड्स जो होगा द रेशियो ऑफ साइड्स ओके आर क्या होगा 1 रेशियो √3 रेशियो 2 ये आपका आंसर होगा। इट्स वेरी इजी, बहुत इजी है सर, तो पूरा हलवा है देखो। तो ये भी एक बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, वेरी आईएमपी, 2 मार्क 3 मार्क के लिए बहुत आईएमपी क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सॉल्यूशन में क्या बोल रहा है कि इन ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी में आपके पास एंगल ए दिया है, एंगल ए दिया 45 डिग्री, एंगल बी दिया आपके पास, एंगल बी दिया आपके पास 60 डिग्री, इसको बी लिखो या एंगल बी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमको रेशियो ऑफ साइड्स निकालना है, तो ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो निकालना है, बराबर है, ए रेशियो बी रेशियो सी आप लोगों को निकालना, साइड्स का रेशियो निकालना है। तो साइड्स का रेशियो निकालने के लिए आपको तीसरा एंगल सी एंगल पता होना जरूरी है। तो नाउ आप लोग ध्यान दो अच्छे से, तो नाउ एंगल ए प्लस इन ट्रायंगल एबीसी आपको पता है, एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होता है, पाई रेडियन होता है, मतलब 180 डिग्री होता है, आप लोगों को पता है, बराबर है, पता है। तो एंगल ए ने कितना दिया 45 डिग्री और बी ने कितना दिया 60 डिग्री और प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री, तो आपको एंगल सी निकालना है। तो एंगल सी यानी कितना होगा, सी यानी कितना होगा, तो 180 डिग्री माइनस इन दोनों का सम 105 डिग्री होगा, 105 होगा ना, 100 और 5 105 और 180 में से 105 की तो 75 डिग्री। अब प्रॉब्लम कैसी है, प्रॉब्लम इसके पहले वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं थी, सी की वैल्यू 90 निकली थी और साइन 90 की वैल्यू 1 होती करके पता है, आपको साइन 45 की वैल्यू भी पता है, साइन 60 की वैल्यू बता दी, लेकिन साइन 75 की वैल्यू नहीं पता है, साइन 75। तो पहले साइन 75 डिग्री निकाल लो, आप साइन रूल लगाने के पहले साइन 75 डिग्री निकाल लो, क्या निकाल लो बोला मैंने, साइन 75 डिग्री निकाल लो। अब ये कैसे निकालोगे, तो इसको आप ब्रेक करोगे 75 को ऐसे पार्ट में ब्रेक करोगे जिनकी वैल्यू पता है, तो 45 और 30 75 होता है या 30 प्लस 40 45 करो, होता है कि नहीं होता 75, यहाँ साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाओ, तो साइन 30 डिग्री, हाँ खतरनाक आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया खतरनाक, तो साइन 30 उतना भी खतरनाक नहीं है, कॉस 45 डिग्री प्लस कॉस 30 इंटू साइन 45 डिग्री,
तो कितना होगा साइन 30 वन बाई टू, ये वन बाय रूट टू, कॉस 30 रूट थ्री बाई टू और साइन 45 वन बाय रूट टू, दोनों का बेस सेम आएगा। तो ये वन वन जो वन प्लस रूट थ्री अपॉन में कितना टू रूट थ्री और टू रूट टू। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा टू रूट टू। ओके, किसी को दिक्कत? ये आपको साइन 75 डिग्री की वैल्यू मिल गई। अब नाउ क्या लगाओगे? बाय साइन रूल लगाओगे। नाउ बाय कौन सा रूल? साइन रूल। तो साइन रूल लगाओगे तो आपका काम बन जाएगा, आपका काम ही बन जाएगा, आपका काम ही बन जाएगा, काम जाम बन जाएगा। तो देखो आप लोग अच्छे से देखो, आप लोग अच्छे से देखो, सत्यनारायण की कथा बता रहा हूं मैं आप लोगों को। तो ए बाय साइन ए, बी बाय साइन बी, सी बाय साइन सी। इसका मतलब क्या होता है? मैंने आपको जब भी बताया था ए रेशो बी रेशो सी, ये निकालना, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं अभी। तो ए रेशो बी रेशो सी इक्वल टू साइन ए रेशो साइन बी रेशो साइन सी होगा, बराबर है। तो साइन ए बोला तो साइन ए बोला साइन कितना डिग्री? 45 डिग्री और रेशो साइन 60 डिग्री और रेशो साइन 75 डिग्री। आपको सबकी वैल्यू पता है, साइन 45 वन बाय रूट टू, वन बाय रूट टू, साइन 60 रूट थ्री बाय टू, रूट थ्री बाय टू, बराबर है। रेशो साइन 75 डिग्री देखो वन प्लस रूट थ्री अपॉन में टू रूट थ्री और टू रूट थ्री। अब देखो आप लोग यहाँ कमी किसकी चेक करो, यहाँ कमी किसकी? टू की। यहाँ कमी किसकी? रूट टू की। एस आर नो। अरे किसकी कमी समझ में आई क्या? किसकी कमी समझ में आई क्या? तो देखो आप लोग अच्छे से, यहाँ कमी है टू की, टू पर नीचे टू से मल्टीप्लाई करेंगे टू रूट टू रूट टू, और यहाँ किसकी कमी? रूट टू की, तो ऊपर में रूट टू से मल्टीप्लाई करोगे रूट थ्री अपॉन में टू रूट टू। अरे यार रूट टू की कमी है, ऊपर नीचे रूट टू से मल्टीप्लाई करोगे, इसका तो कोई टेंशन नहीं है, ये तो मस्त है, अपने मस्ती में गुण है, ठीक है। यहाँ रूट टू की कमी थी तो रूट टू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, यहाँ टू की कमी थी तो टू से मल्टीप्लाई किया, सबका बेस कैसा हो गया सेम। तो टू रेशो टू थ्री या सिक्स, ये भी रूट में, ये भी रूट में, और रेशो में क्या होगा? वन प्लस रूट थ्री। ये हो गया आपका ए रेशो बी रेशो सी, हो गया आंसर। कितना प्यारा सा आंसर थे, नो टेंशन। तो यहाँ पे मैंने साइन 75 आया, तो साइन 75 डिग्री की वैल्यू नहीं पता थी, तो पहले उसको साइन 75 को 75 को ब्रेक किया दो पार्ट में 30 और 45। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाया, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, इसकी वैल्यू पुट किया, आपको आंसर निकल गया साइन 75 डिग्री। साइन 75 डिग्री निकला तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत है? लिख लो इसका स्क्रीनशॉट। हाँ, तो ट्रायंगल के जो एंगल है, एंगल ऑफ ट्रायंगल एबीसी के एंगल जो दिया आपके पास, एंगल्स ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एंगल ऑफ ट्रायंगल, एंगल्स ऑफ ट्रायंगल एबीसी आर इन एपी, आर इन एपी हमारे पास गिवन में दिया है आर इन एपी। इसका मतलब क्या होता है? एपी का मतलब ध्यान दो, जैसे कि फॉर एग्जांपल 2, 4 और 6, ये तीन नंबर एपी में, तो एपी में क्या होता है? कोई भी दो टर्म के बीच का डिफरेंस कांस्टेंट होता है, मतलब 4 और 2 के बीच का डिफरेंस, 6 और 4 के बीच का डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब आगे वाला माइनस पीछे वाला, आगे वाला माइनस पीछे वाला। देखो ये भी 2 आ रहा है, ये भी 2 आ रहा है, समझ में आ रहा है? तो आपके एंगल ए बी सी ये एपी में, इसका मतलब आगे वाला माइनस पीछे वाला, बी माइनस ए और सी माइनस बी दोनों इक्वल होंगे। यस आर नो? हाँ की ना, हाँ की ना, हाँ की ना, तो हाँ की ना, हाँ। तो आपके पास ट्रायंगल एंगल्स के ट्रायंगल जो है वो एपी में, इसका मतलब एंगल्स एपी से मतलब दैट इज ए बी एंड सी आर इन क्या में रहेंगे? एपी में रहेंगे। अब एपी में रहेंगे इसका मतलब क्या होगा? बी माइनस ए इक्वल टू सी माइनस डी होगा। तो बी वाले को बी की तरफ ला लिया तो बी प्लस बी होगा इक्वल टू माइनस ई, उधर गया तो प्लस ई होगा, ठीक है। बी वाले को बी की तरफ ला लिया तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? मतलब टू बी इक्वल टू सी प्लस ए हो जाएगा। तो ओके डन, ये आपका इसका काम पड़ेगा आगे। अब बताओ आपको तीन एंगल निकालना है, तो बताओ ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? एंगल ए एंगल बी और एंगल सी तीनों का सम कितना होता है? 180। देखो सी और ए का सम, सी और ए का सम देखो, आप ऐसे इसको हटा दो, एंगल नहीं दिखा में चलेगा। सी और ए का सम देखो, सी और ए का सम, सी और ए का सम, सी प्लस ए प्लस बी इक्वल टू 180। देखो सी और ए का सम कितना है? 2b है इसको 2b प्लस बी इक्वल टू 180। इसको मैं फर्स्ट नाम देता हूँ, तो ये कैसे लिखा? तो मैंने बाय फर्स्ट से लिखा, तो कितना हो जाएगा बेटा? 3b इक्वल टू 180 डिग्री। तो 318 बी की वैल्यू निकल गई, क्या बात है, एक एंगल तो आपको पता हो गया।
एक एंगल पता हो गया, एक कंडीशन से एक एंगल तो पता हो गया। अगर आपको एक एंगल पता है और आपको साइड का रेशियो पता है, दो साइड पता है, तो आप बाकी के एंगल निकाल सकते हैं गारंटी के साथ में। इसके साथ में गारंटी के साथ में देखो मैंने क्या किया, आपके एबीसी एंगल एपी में दिए थे, एपी का मतलब आगे वाला माइनस पीछे वाला, आगे वाला माइनस पीछे इक्वल, इस कंडीशन से टू बी निकला, तो टू बी यानी ए प्लस सी प्लस इक्वल टू बी निकल गई। फिर ट्रायंगल के पूरे एंगल का समानिटी होता है, तो सी और ए, सी और ए की जगह टू बी लिख सकते हो, बाईपास से टू बी बी थ्री बी हो जाएगा, 318 बी क्यूल निकल गई। नाउ आपके पास क्या दिया है, साइड का रेशियो भी दिया है, बी रेशियो सी इक्वल टू रूट थ्री रेशियो रूट टू दिया है। यहाँ आप लोग साइन रूल लगा सकते हो, इसका मतलब बी बाय ए बी बाय सी इक्वल टू रूट थ्री बाय टू। आप लोग इसकी जगह ऐसा लिख सकते हो, बी का मतलब के साइन बी, याद है आप लोगों को, और सी का मतलब के साइन सी रूट थ्री बाय टू। उम्मीद करता हूँ समझा होगा, कैसे के मर गए, अरे बताते ना साइन रूल ऐसा भी होता है करके। आप ऐसा भी कर सकते हो बी बाय साइन बी सी बाय साइन सी, ऐसा भी कर सकते हो, तो बी बाय सी इक्वल टू साइन बी बाय साइन सी, ऐसा भी कर सकते हो आपकी इच्छा, ठीक है आपकी इच्छा। तो आप ऐसा भी कर सकते हो, बी के जगह के साइन भी उससे भी आ जाएगा, या फिर आप लोग क्या कर सकते हो, ये आपके पास गिवन में दिए फिर आप लोग लगा सकते हो भाई कौन सा रूल, साइन रूल, तो बी और सी की बात चलती तो बी बाय साइन बी इक्वल टू सी बाय साइन सी, तो बी बाय सी आपके पास दिया है, इसको बी बाय सी कर दिया, अरे साइन बी अपॉन में साइन सी, तो बी बाय सी है रूट थ्री बाय टू, और साइन बी की वैल्यू तो आपके पास दी चाहिए बी यानी 60, तो ये साइन 60 लिखूंगा इसकी जगह, और ये साइन सी जैसा का सी आपको निकालना, तो ये रूट थ्री बाय टू जैसा का वैसा, इसके लिए साइन 60 के लिए रूट थ्री बाय टू, और अपन में क्या होगा साइन सी, तो साइन सी को इधर डालोगे नहीं तो ये रूट थ्री बाय टू इंटू में साइन सी इक्वल टू साइन 60 डिग्री, और रूट थ्री बाय टू इंटू साइन सी, साइन सी रूट थ्री बाय टू, रूट थ्री बाय टू से रूट थ्री बाय टू कैंसिल है, तो साइन सी इक्वल टू कितना होगा 1, और 1 यानी किसकी वैल्यू होती है साइन 90 की वैल्यू होती है, साइन से साइन कैंसिल सी की वैल्यू 90 होती है, क्या बात है। अब बी भी पता है सी भी पता है, आप आराम से सी निकाल ए निकाल सकते हो, तो नाउ आप लोग क्या कर सकते हो, नाउ ए प्लस बी प्लस सी कितना होता है, ए प्लस बी प्लस सी कितना होता है 180, तो ए की वैल्यू आपको निकालना है, ए बी कितना है 60 और ए कितना है 90 इक्वल टू 180, तो एंगल ए कितना निकल जाएगा 180 में से 90 और 60 150 होगा, इन दोनों का सम उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 180 में से 150 होगा तो कितने बचेंगे 30, तो आप लोग देखो 30 60 और 90 सबके सब एपी में, तो 60 में से 30 गया 30, 90 में से 60 गया 30 एपी में, इनमें डिफरेंस कांस्टेंट है 30 30 का, एपी में निकले कि नहीं निकले, अरे समझ में आ रहा है क्या, देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल ए, एंगल ए कितना निकला बताओ 30 डिग्री, एंगल बी कितना निकला 60 डिग्री, और एंगल सी कितना निकला 90 डिग्री। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो बहुत प्यारा क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था, कोई घबराने वाली बात नहीं है, आप आराम से बना लोगे, चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। क्वेश्चन है तो ये क्वेश्चन नंबर 7 मेरा फेवरेट क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है ये पेपर में आता भी है मैक्सिमम टाइम, वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, ठीक है इससे हमको ये प्रूफ करना है, तो हम आरएचएस पकड़ेंगे, बिल्कुल नेपियर फॉर्मूले की तरह दिख रहा है, देखो यहाँ टैन था यहाँ कॉट था, बस वहां था बी माइनस थी अपन में बी प्लस ही था, तो इस क्वेश्चन में भी हम आरएचएस लेट आरएचएस पकड़ेंगे, तो आरएचएस क्या बोल रहा है बी माइनस सी अपन में टू इंटू कॉस ए बाई टू, मैं तो शॉर्टकट मारूंगा बी के जगह के साइन भी लिखूंगा, याद है आप लोगों को कौन सा रूल लगाया मैंने, कोसाइन रूल लगा दिया, कौन सा रूल लगा दिया कोसाइन रूल, अरे बी माइनस सी अकाउंट में ए है यहाँ पे ए, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई, ठीक है ए है बी माइनस सी अकाउंट में ए और कॉस ए बाई, ठीक है तो के साइन बी यहाँ पे भी ए रहेगा, के साइन बी के साइन सी अकाउंट में के साइन ए, ओके कौन सा रूल लगाया यहाँ पे मैंने साइन रूल, और इंटू में कॉस ए बाई टू जिसको छेड़ना नहीं, यहाँ बाजू में लिख देना कौन सा रूल लगाया करके, तो बाय साइन रूल। अब आप लोग मुझे बताओ यहाँ से आप लोग देखो के कॉमन निकलेगा, तो साइन बी माइनस साइन सी अपॉन में, अब आप लोग बताओ यहाँ ए बाई टू है तो साइन, यहाँ पे फार्मूला लगा सकते हो के कॉमन, यहाँ आप लोग फार्मूला लगा सकते हो टू साइन ए बाई टू इंटू कॉस ए बाई टू करके लगा सकते हो, तो कॉस से कॉस तो ऐसे ही मर जाएगा इंटू में कॉस ए बाई टू, मर गया कैसे के भी मर गया,
इसमें फार्मूला लगा देंगे, माइनस है तो कॉस आगे बी प्लस सी अपॉन में टू इंटू कॉस बी प्लस सी अपॉन में टू, ठीक है। तो साइन है जब माइनस वाले में कॉस आगे और साइन पीछे, तो ये हमको चाहिए। देखो सॉरी एक बार प्लस तो एक बार क्या आएगा माइनस, देखो ये हमको प्रूफ चाहिए। अरे इसका फार्मूला पता है ना, दो कॉस एक बार सम डिवाइडेड बाय टू, फिर साइन एक बार डिफरेंस डिवाइडेड बाय टू, तो ये हमको चाहिए। मतलब नीचे का कोण गायब होगा, दो साइन ए बाय टू गायब होगा, दो से दो कैंसिल, तो इसके जगह बिंदास, इसका मतलब ये होता है ये साइन ए बाय टू, तो इसका मतलब साइन ए बाय टू होता चाहिए। और मैंने आपको जब भी बताया भी था कि बी प्लस सी अपॉन में टू बोला, इसका मतलब पाई बाय टू कौन मिसिंग है, ये ए बाय टू होता है, जब भी बताया भी था मैंने। अरे जब भी बताया भी तो था ना, अरे जब भी बताया भी तो था ना कि कॉस इसके जगह आप लोग बिंदास पाई बाय टू माइनस कौन मिसिंग है ए बाय टू, तो माइनस ए बाय टू लिख सकते हो बिंदास में, साइन बी माइनस सी अपॉन में टू ऐसा लिख सकते हो। और ये कैसे आया, चलो बाजू में हिस्ट्री भी बता देता हूँ आप लोगों को समझने के लिए कि इसकी जगह ये क्यों है। तो बाजू में हिस्ट्री भी बता देता हूँ कि ए प्लस बी प्लस सी अब इक्वल टू कितना होता है बताओ, पाई होते हैं, तो बी प्लस सी इक्वल टू कितना होगा पाई, पाई माइनस ए होगा, तो बी प्लस सी अपॉन में टू यानी कितना होगा पाई बाय टू माइनस ए बाय टू, बराबर है। यहाँ पे टू से डिवाइड कितनी देर में टू से डिवाइड करूंगा, तो आज की बात याद रखो शॉर्टकट में बी प्लस सी अपॉन में टू यानी पाई बाय टू माइनस ए बाय टू। तो एक बात बताओ, इस कॉस को कॉस 90 माइनस थीटा तो साइन होता है, कॉस 90 माइनस थीटा तो क्या होता है साइन थीटा, थीटा का काम कौन करता है ए बाय टू, साइन बी माइनस सी अपॉन में टू और डिवाइडेड बाय कितना साइन ए बाय टू, तो साइन ए बाय टू से साइन ए बाय टू मर गया। तो ये आपका देखो कौन आ गया साइन बी माइनस सी अपॉन में टू, ये आ गया आपका कौन सा एलएचएस, आएगा नहीं है एलएचएस आएगा नहीं है, तो हेंस इसीलिए प्रूफ हो गया, हेंस लिखो गया हेंस क्या, हेंस साइन बी माइनस सी अपॉन में टू इक्वल टू बी माइनस सी अपॉन में ए इंटू में कॉस ए बाय टू, हेंस क्या हो गया बताओ प्रूफ हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बहुत ईजी है बहुत ईजी है बहुत ईजी है बहुत ईजी है, आपको फोर मार्क या थ्री मार्क के लिए क्वेश्चन पूछेगा और आपसे ये छूटना नहीं चाहिए, और करना कुछ नहीं है आपको आरएचएस लेना है, के साइन बी के साइन सी के साइन ए को साइन रूल लगाना है आप लोगों को, के कॉमन निकलेगा के कॉमन निकलने का या ए बाय टू तो या ए बाय टू होना चाहिए, तो साइन ए का फार्मूला लगा दिया टू साइन इन टू कॉस, कॉस से कॉस मर गया, या दो है तो ऊपर का फार्मूला लगा दिया दो कॉस माइनस वाले में कॉस दोनों का सम डिवाइडेड बाय टू साइन दोनों का माइनस डिवाइडेड बाय टू, दो से दो मर गया, या ए बाय टू तो यहाँ ए बाय टू होना चाहिए, तो इसका मतलब पाई बाय टू माइनस ए बाय टू होता चाहिए, और कॉस 90 माइनस थीटा तो साइन होता चाहिए, साइन से साइन मर गया, ये आपका प्रूफ हो गया, बहुत इजी है। देखो चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से, एकदम जबरदस्त तरीके से मालूम होना चाहिए आप लोगों से। तो अभी जो क्वेश्चन पढ़ाया उसके ऊपर ही ये आपके लिए प्रैक्टिस के लिए रहेगा, आपको इसकी प्रैक्टिस करना ठीक है, और सच में प्रूफ होता है कि नहीं होता तो कमेंट सेक्शन में बताना कि सच में प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ करके, ठीक है ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चालू कर रहे हैं अभी, ठीक है। हाँ अभी एक क्वेश्चन देखो, आपके पास एक ट्राइंगल एबीसी दिया, जान दो ट्राइंगल एबीसी दिया है, ट्राइंगल एबीसी में क्या दिया ए कॉस बी बी कॉस बी, कंडीशन दी है अपने पास, और इसके मदद से शो करना है हमको ट्राइंगल एबीसी आइदर राइट एंगल या आइसो स्केल, तो ट्राइंगल एबीसी आइसो स्केल या राइट एंगल कब रहेगा, जब एक एंगल 90 का प्रूफ कर पाओगे और बाकी के दो एंगल इक्वल प्रूफ कर दोगे, तो देखो दो एंगल इक्वल तो आइसो स्केल भी रहेगा और राइट एंगल भी रहेगा, तो हमको एक एंगल 90 का लाना है और बाकी दो एंगल क्या दिखाना है इक्वल, और उसके लिए हमारे को कंडीशन दी है। तो सॉल्यूशन में क्या दिया आपके पास कि इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी आपके पास क्या दिया है ये कॉस बी इक्वल टू बी कॉस बी, ठीक है ये दिया आपके पास। अब बताओ आपको कॉस को गायब मत करना, ठीक है कॉस को गायब मत करना, क्योंकि कॉस को गायब करोगे तो वो ए स्क्वायर बी बहुत लंबी टर्म आएगी, तो हम इसमें साइन रूल लगाएंगे, एक जगह आपको पता है के साइन ही आएगा बराबर, और के क्या आएगा साइन ही आएगा, और कॉस भी जैसा का वैसा, इसी से क्या आएगा के साइन भी आएगा और इनटू में कॉस भी जैसा का वैसा, बराबर है। यह कौन सा रूल लगाया मैंने बताओ, बाय साइन रूल, अरे साइन रूल पता है कि नहीं पता है कि ए के जगह के साइन है बी के जगह के साइन, बी जैसा का वैसा जैसा का वैसा। अब आप लोग बताओ यहाँ पे बी है कि ए है, मुझे मेरे ख्याल से ये होगा, यहाँ देखो यहाँ ये है, यहाँ क्या ये है, यहाँ क्या ये है, यहाँ पे देखो टू साइन इंटू कॉस, टू साइन इंटू कॉस का फॉर्मूला लगा सकते हो, लेकिन उसके लिए दो की कमी, किसकी कमी है केसे क्या करके दो लगा दिया, दो साइन ए इंटू कॉस है, इधर भी दो लगा दिया इधर भी दो लगा दिया, ऐसे एडजस्टमेंट कर सकता हो, मतलब मल्टीप्लाई क्या बोल सकते कैसे मल्टीप्लाई बोल सकते कैसे टू से, ऐसा क्यों किया तो यहाँ पे साइन टू ए का फॉर्मूला बन जाए और इधर में साइन
बोलो बोलो बोलो, टू बी का फॉर्मूला बन जाए, बनेगा 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 बनेगा, यस आर नो, यस आर नो, यस आर नो। अब आप लोग बताओ मुझे, आप लोग इसको सॉल्व करना है, इसको आराम से सॉल्व करना, पीछे इधर ला लो, तो साइन है, आप साइन से साइन कैंसिल करके ये इक्वल टू भी ला सकते हो, तो साइन से साइन कैंसिल करके ट्वाइस से इक्वल ट्वाइस भी हो जाएगा, देखो टू से टू कैंसिल हो गया, ए किसके बराबर हो गया, बी के बराबर हो गया, ये किसके बराबर हो गया, बी के बराबर, तो आज स्क्वायर ट्रायंगल हो गया, देखो साइन से साइन कैंसिल, देखो एक ट्वाइस से इक्वल टू क्या निकल गया, ट्वाइस बी निकल गया, निकल गया, टू से टू क्या हो जाएगा बताओ, अरे टू से टू क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू किसके बराबर होगा, बी के बराबर, तो ट्रायंगल ए बी सी कौन सा ट्रायंगल हो गया, इज एंड आईसो स्केल क्या हो गया, ट्रायंगल हो गया, देखो कुछ भी दम नहीं इसमें, देखो कुछ भी दम नहीं है, देखो कैसे के कैंसिल हो गया, यहाँ दो से मल्टीप्लाई किया, ये साइन टू ए का फॉर्मूला, साइन टू बी का फॉर्मूला, लेकिन कंडीशन है कि बी है तो बी होना चाहिए, ठीक है। अब बताओ ये साइन टू ए साइन टू बी, तो टू ए इक्वल टू बी होगा, ए की वैल्यू बी हो जाएगी, अब सी 90 का आना चाहिए, सी कितने का आना चाहिए, 90 का आना चाहिए, तो उसके लिए क्या करोगे, नाउ पूरे एंगल का सम करोगे, ए बी सी एंगल ए एंगल बी एंगल सी कितना होता है बताओ, 180, तो एंगल ए और एंगल बी इक्वल है, एंगल ए और एंगल बी इक्वल है, लेकिन उससे काम नहीं बनेगा, उससे काम नहीं बनेगा, तो इसके लिए आप ये फंडा मत लगाना, ठीक है, इसके लिए दूसरा फंडा लगाना, क्या कर सकते हो, साइन टू ए इसको इधर लाओगे तो क्या होगा, साइन टू बी होगा, देखो और इक्वल टू क्या होगा, जीरो, यहाँ पे साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला होगा, उससे कर रहा था लेकिन नहीं बन रहा था, ए और बी तो इक्वल आ रहा था, लेकिन सी की वैल्यू कैसे निकालोगे, फिर तकलीफ वाला काम था, इसलिए ये वाला फंडा लगा दिया, इसको इधर लगा और इसने फॉर्मूला लगा दिया, माइनस वाले में कॉस आगे आता है, याद है, टू कॉस दोनों का सम डिवाइडेड बाय टू, और इनटू में दोनों का क्या, दोनों का क्या माइनस, तो साइन दो ए माइनस टू बी डिवाइडेड बाय टू इक्वल टू जीरो, एक बार जीरो इसके साथ में आएगा, एक बार जीरो इसके साथ में आएगा, बराबर, तो क्या हो जाएगा बेटा, ये दो उधर चला गया, दो जो है ना ये दो जीरो के साथ चला गया, तो कॉस इन दो से डिवाइड करते तो ये ए प्लस बी मिलेगा, देखो दो से दो कैंसिल रहे सेपरेट होके, सेम यहाँ पे क्या मिलेगा, ए माइनस बी इक्वल टू जीरो होगा, ये दो कहाँ गया, तो जीरो के डिवाइड में चला गया, और ये दो सेपरेट हो गया, तो कॉस ए प्लस बी के साथ में भी जीरो आएगा, और में साइन ए माइनस बी के साथ में भी क्या आएगा, जीरो आएगा, कोई दिक्कत। अब बताओ कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी इक्वल टू जीरो है, तो जीरो किसके वैल्यू, कॉस 90 की वैल्यू, किसके वैल्यू बताओ, कॉस 90 की वैल्यू, और में बताओ ए माइनस बी साइन ए माइनस बी, साइन क्या बताओ, ए माइनस बी, जीरो किसके वैल्यू है, साइन जीरो की वैल्यू है, बराबर, तो क्या होगा, देयरफॉर ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री होगा, देखो ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, और में ए माइनस बी इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा, तो बताओ ए प्लस बी इक्वल टू 90 बराबर है, यहाँ पे सी की कमी है, सी निकालना मेरे को, यहाँ तो ए इक्वल टू बी आ जाएगा, यहाँ सी लाना है, तो दोनों यहाँ पे सी क्या किया मैंने, बोलो 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 बोलो, ऐड भी किया और सी क्या किया, माइनस भी किया, इक्वल टू 90 डिग्री, और ये क्या होगा, ए इक्वल टू बी हो जाएगा, देखो ए इक्वल टू बी, अब यहाँ से सी क्यों निकलते, ए प्लस बी प्लस सी कितना होता है, 180 होता है, माइनस सी इक्वल टू 90 होगा, और मैं ए इक्वल टू बी तो निकल गया है, बराबर, और यहाँ पे सी की वैल्यू कितनी होगी, माइनस सी इक्वल टू 90 माइनस 180 होगी, बराबर है, और में ए इक्वल टू बी हो जाएगा, तो बताओ 90 में से 180 के तो कितने बचेंगे, माइनस 90 होगा, और में ए इक्वल टू क्या होगा, बी होगा, तो सी की वैल्यू कितनी होगी, 90 डिग्री होगी, और में ए इक्वल टू कितना होगा, बी होगा, देखो देखो देखो, तो सी 90 का भी आ गया और ए इक्वल टू बी भी आ गया, इसलिए आपका ट्रायंगल एबीसी जो है, ट्रायंगल एबीसी इज राइट एंगल भी है, इज राइट एंगल बियर, और क्या है बताओ, आइदर इज ट्रायंगल एबीसी इज आइदर, इज आइदर बताओ, बोलो राइट एंगल भी है और आईएसओ स्केल क्या है, ट्रायंगल भी है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया, अगर रिपीट कर दूँ ऊपर ऊपर, देखो याद है तो सबको समझ में आ गया होगा, इसको इधर ला लिया, इसमें मैंने फार्मूला लगा दिया, ठीक है, माइनस वन में कॉस आ गया साइन पीछे, एक बार सम एक बार माइनस, दो जीरो के डिवाइड में चला गया, ठीक है, ये सेपरेट हो गया तो ए प्लस बी, सेपरेट हो गया तो ए माइनस बी, फिर एक बार जीरो इसके साथ में, एक बार जीरो इसके साथ में, ये कॉस 90 की वैल्यू, ये साइन जीरो की वैल्यू, साइन से साइन कैंसिल, ए माइनस बी, ए प्लस बी इक्वल 90, तो ये इक्वल टू बी के बराबर तो आ गया, लेकिन यहाँ सी की कमी है, तो क्या करोगे, दोनों तरफ सी ऐड कर सकते हो, या आप ऐसे भी कर सकते हो, दोनों तरफ सी ऐड कर दो, ए प्लस बी प्लस सी, इधर भी सी ऐड किया, 90 में सी ऐड कर दो, ये हो जाएगा 180 डिग्री इक्वल टू 90 प्लस, कहाँ होगा बताओ, क्या होगा,
ये 180 डिग्री हो जाएगा और इक्वल टू क्या होगा 90 प्लस सी होगा, कोई दिक्कत? तो क्या हो जाएगा बताओ, आपका स्टेप बच जाएगा, 180 माइनस 90 इक्वल टू सी होगा, तो सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, या सी लाना तो सी ऐड कर दो, ए प्लस बी प्लस सी आना आपका 180 हो जाएगा, समझे? और 90 इधर आ जाएगा माइनस 90 हो जाएगा, तो 180 में से 90 गए तो सी की वैल्यू 90 हो जाएगी, 90 हो जाएगी, ठीक है? और ए इक्वल टू बी मिल जाएगा, ठीक है? तो इसके आगे वाले क्वेश्चन आज के दिन के लिए इतना काफी है, इसके आगे वाले क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए ओके बाय।